हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में यानी कि सामाजिक विज्ञान 2022 में पूछे जाने वाले मॉडल टेस्ट ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर 9 उपस्थित हुए हैं। तो बिना देर करते हुए आज हम लोग बढ़ेंगे अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तुर्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यानी कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य के में अवस्थित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि कब आया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1934 में, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि कौन सा है ब्रांड जो विदेशी नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाटा। टाटा इंडियन कंपनी है जो बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी चीज़ें हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, ये सभी की सभी विदेशी कंपनियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हो जाएगा मौसिनराम में। कहाँ होती है? मौसिनराम में ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला की सदस्यों की जो संख्या थी वो थी आपकी लगभग 61, यानी कि 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन का जो आरंभ हुआ था वो आपके सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2014 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था थी या व्यवस्था है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों के लिए कम से कम रोजगार देना है मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमार्ग संख्या 7, यानी कि नेशनल हाईवे 7, जो सबसे लंबा है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए, यानी कि यहाँ पर कागज का सबसे ज्यादा निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जास्ता दोनों से, यानी कि दोनों को मिलाकर पीतल को बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा आपका मुंबई में है, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर जो उद्देश्य किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनाज रखने के लिए पटना का गोलघर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। कौन होता है? सरपंच। अगला प्रश्न कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था?
यंग यूरोप का संस्थापक था आपका ऑप्शन नंबर ए मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। अगला अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य का गठन हुआ यानी कि बिहार से टूटकर या अलग होकर झारखंड राज्य कब बना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अपना एक नया राज्य बनाया गया या घोषित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, यानी कि पूर्ण रूप से जो बहुमत पाने वाले जो 1977 की लोकसभा चुनाव था उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया गया था, क्योंकि 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जिन्होंने इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू किया था जिसमें लोगों की परेशानियों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब चुनाव आया तो उस समय कांग्रेस हारी और उस समय सबसे ज़्यादा बहुमत जो मिला था वो थी जनता पार्टी को मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, किसने यह बात को कही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वप्रथम अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी जब अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांका में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वो है आपका आतंकवाद, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब के सब क्या है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया किस्म यानी कि सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है वो हो जाएगा आपका पीट कोयला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, यानी कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा सफल बना सकती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मजबूत जनमत, यानी कि लोगों को मजबूत होना और क्या करना अच्छे सोच समझकर किसी को चुनना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज का जो है दूसरा स्तर है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति, पंचायत समिति दूसरा स्तर है। ठीक है, पंचायती राज का। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, यानी कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उष्ण आर्द्र यानी कि थोड़ी गर्मी और थोड़ी बारिश, यानी कि थोड़ी गर्मी और बारिश जो हल्का हल्का गर्मी पैदा करती है वो होती उमस वाली, जो जलवायु होती है उमस वाली चावल उसी की एक प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, यानी कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो लगभग 1928 के करीब साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, निम्न में से कौन सी एक आधुनिक मुद्रा का रूप है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कागज के नोट, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलते नहीं है तो बच जाएगा आपका क्या कागज के नोट। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरकार, यानी कि सरकार चुनना किसी राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या से भी राज्य का मालूम चला जा सकता है और संप्रभुता से भी राज्य का मालूम चलता है, लेकिन सरकार सभी जगह सरकार है उससे ये नहीं मालूम चलेगा कि राज्य की विशेषता क्या है, यदि आपकी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे भी गिनती की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो यानी कि जिस देश में राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश आपका विकसित कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो हालांकि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुद्रा, जमा और ड्राफ्ट ये जितने भी चीज़ें हैं सब के सब आधुनिक रूप हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, किसने यह 95 स्थापनाएं लिखी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर ने यह रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाइबल की छपाई की थी, यानी कि बाइबल नामक पुस्तक की छपाई सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हो गया था आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, यानी कि सबसे सस्ता किस में पड़ता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल साधन, यानी कि यह सबसे मतलब कहते हैं कि सबसे सस्ता संसाधन माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कम वाला राज्य हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि पिछड़ा राज्य, यानी कि बिहार में सबसे कम आय वाले प्रति व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि हॉलमार्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो लोग इसको देख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क केवल सोने के आभूषणों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि कनवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई, तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना आपका 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, तो घनिष्ठ रूप से किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिगबोई में है। कहाँ है, तो डिगबोई में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में जिस खनिज का अभाव है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेड नामक तत्व का अभाव है। तो दोस्तों आज हमने देखा, आज का 50 क्वेश्चनों का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले कुछ 50 क्वेश्चनों को सीरीज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।